और मिलकर हुए तेरे सिवा कन्हैया कोई नहीं हमारा, दे दो प्रभु सहारा, दे दो प्रभु सहारा, दे दो सहारा, दे दो प्रभु सहारा, तेरे सिवा कन्हैया कोई नहीं हमारा, विश्वास वाली ताली ये बात। ऑप्शन नहीं है कि कहीं दूसरी जगह चला जाए आदमी, जो यहाँ आ गया है ना, यहाँ आने के बाद वो कहीं नहीं जा सकता। और मैं बाबा से कहती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, जितने आते हैं कितना ही परेशान हो, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, जब ऐसा समय आए ना कोई रास्ता नजर नहीं आता आदमी, तब इसी को कहता है कि बाबा सुन, दो राहे पे खड़ी है मेरी जिंदगी कन्हैया, दो राहे पे खड़ी है मेरी जिंदगी कन्हैया, ना पार लग रहा हूँ ना डूबती है नैया, ना पार लग रहा को सहारा चाहिए, हाँ? दिल वाली ताली बजाना। अगर हम दुख में हैं, वो हमारे कर्म, हम सुख में हैं, वो हमारे कर्म, बाबा ने कुछ नहीं किया वो करेगा, सही करेगा जीवन। लेकिन मैं बाबा से कहती हूँ, बाबा मुझे मालूम है जो कुछ मैं सह रहा हूँ माना मेरे करम। अरे मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसको छोड़, तू तेरा धर्म निभा दे बाबा। जो कुछ मैं सह रहा हूँ माना मेरे कर्म है, जो कुछ मैं सह रहा हूँ माना मेरे कर्म
बिसारा दे दो प्रभु सहारा, दे दो प्रभु सहारा। तेरे सिवा कन्हैया कोई नहीं हमारा, कभी कभी कर्म का ताला भी खोल देती है ये ताली। जाओ हम बाबा से कहते हैं, बाबा मैं तुझसे पूछता हूँ, कब तक बताओ मोहन रो रो के दिन बिताऊँ, कब तक बताओ मोहन रो रो के दिन बिताऊँ, मुझको भी प्यार बांटो मैं भी तो दर्द में गुजारा, ले दो प्रभु सहारा, ले दो प्रभु सहारा। तेरे सिवा कन्हैया कोई नहीं हमारा, ले दो प्रभु सहारा, ले दो प्रभु सहारा। अब आदमी का जब काम नहीं बनता बाबा के दरबार पे आता रहेगा जाता रहेगा, फिर एक दिन बाबा से बोलता है, क्योंकि जगह नहीं है ना, मैंने बताया ना बहुत बड़ा चुंबक है ये, जो आता है चिपक जाता है। अब बार बार आ रहा हूँ बाबा, आज बहुत आए होंगे, देख बहुत आए होंगे जो रोज आ रहे हैं और देर से गुहार लगा रहे कि मेरा काम तुझे बनाना पड़ेगा, लेकिन आज फिर एक नया रूप दिखा रहा है, मुझे देखते ही प्यारे नजरें चुरा रहे हो, मुझे देखते ही प्यारे नजरें चुरा रहे हो, मुझे देखते ही प्यारे नजरें चुरा कटा बाबा, लेकिन एक बात बता दे, होगी मेरी सुनाई, होगी मेरी सुनाई, होगी मेरी सुनाई, हाँ होगी मेरी सुनाई, इतना तो दो इशारा, दो प्रभु तेरे सिवा कन्हैया कोई नहीं हमारा, दे दो प्रभु सहारा, दे दो प्रभु सहारा। बहुत ताने मारता है आदमी, बुरा समय होता है ना, बुरा समय तो दुनिया ताने मारता है और दुनिया कहती है बुला बुला तेरे बाबा को, बहुत गीत गाता ना बाबा का।
और मैं बाबा से कहती हूँ मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ दुनिया के ताने हैं, लेकिन मैं ये सहन नहीं कर सकती कि कोई मुझे इस ताना मार के कह दे कि जा तेरे बाबा से काम करके दिखा तब मानू तेरा बाबा। ये सहन बड़ी बाबा बाबा करती प्रति मुझे कोरोना में कितने लोगों ने बोला, कोरोना में कितने लोगों ने बोला कहाँ है आपका श्याम बाबा, दुनिया में ये हो रहा है दुनिया में ये हो रहा है कहाँ है आपका श्याम बाबा, है क्या? मैंने कहा श्याम बाबा है तभी तुम मुझसे सवाल पूछ रहा है, नहीं तो तू सवाल नहीं पूछ सकता मुझसे। मैं बाबा से बोलती हूँ ये ताना नहीं, कितना रुलाए रोने को तैयार, तू चक्कर कटाए चक्कर काटने को तैयार, लेकिन बाबा तू जितनी बार बोले नाक रगड़ने को तैयार, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कोई तेरे नाम का ताना मुझे दे जाए बाबा। हम हर सितम तो सहने पर ये नहीं गवा, गाना मेरे को मालूम है हर किसी की कोई ना कोई फाइल अटकी हुई है, है? लेकिन यहाँ जो फाइलें पास होती है ना वो अरदास से ही होती है, है? वो भजनों से ही होती है, तो भजन बोल करके बोल के बाबा को रिझा करके बोलना, तेरे सिवा कन्हैया कोई नहीं हमारा, दे दो में जो कुछ मैं सहन कर रहा हूं। और हमने क्या किया, हम भूले तुम्हें कई बार मगर तुम शाम नहीं भूले, हम भूले तुम्हें कई बार मगर तुम शाम नहीं भूले, ओ हम भूले तुम्हें कई बार मगर तुम शाम नहीं भूले, भूले तुम्हें कई बार मगर तुम शाम नहीं भूले, रहे सदा साथ है इसके आगे हमारी धूल का कण भी नहीं है, धूल का कण होता है ना वो भी नहीं है हम, पर बाबा क्या प्रेम करता है अपने बच्चों से। ये लाइन सुनना आप, तुम दौड़ के आए सुध लेने हमको दुख जरा सा होने पर, तुम दौड़ हम भूले थे
कहती हूँ। हो तुम्हें भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है, हमें तुम भूल जाओ ये मुमकिन नहीं है। हम जो ठाकुर के दरबार में बैठे हैं ना, ऐसे नहीं बैठे, कई जन्मों का पुण्य जब मिला है तब आज हम कीर्तन में बैठे। तुम्हें भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है, हमें तुम भूल जाओ ये मुमकिन नहीं है। अपना तो रिश्ता है जन्म जन्म का, क्यों ये मेरा प्रारब्ध है अच्छे कर्म का। आप सही कह रहे हो रामदार जी, हम भूलते नहीं है, लेकिन एक बात बता रही हूं मैं आज, आप याद रखना, बाबा से ना कृपा जरूर मांगो। जिन जिन ने दया मांगी करी, जिसने मांगी ना करी, और ऐसी दया करी आदमी को उड़ा के छोड़ दिया, ऐसी ऐसी इतनी दया बाबा ने। हमारा काम पता है क्या था? हमारा काम था हमको प्रेमियों के और बाबा के बीच में माध्यम बनना था। हमारा काम था प्रेमियों को बाबा से जोड़ने का, यानी हम माध्यम थे, हम माध्यम बाबा ने चुना, हमको बाबा ने चुना कि तुम, तुम्हारा काम है जो मेरे से दूर है उनको मुझ तक लेकर आओ, ये तुम्हारा काम है। हमने बताया क्या करा, हमने क्या करा, हमको प्रचार करना था बाबा का, माध्यम बनना था हमको, और हमने क्या करा, माध्यम बना दिया इसको, प्रचार कर लिया अपना है? और जिस जिसने अपना प्रचार किया है, मैं फिर बता रही हूँ आप, अगर आप ये सोचते हो ना कि आप बहुत बड़े शहंशाह बन जाओ, तो मत मांगना बाबा से कभी कोई शोहरत मांगना। जिस जिसने शोहरत मांगी खाटू की कलियों से भी दूर कर दिया बाबा ने उसको। जय हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ उसके बाद आदमी भूल जाए। पचासों पचासों कलाकार माइक में ज्ञान दे के चले जाते हैं, ग्यारस पे खाटू आया करो, और खुद का पता नहीं है, है? खुद का पता नहीं है। ये पता है क्या होता है, उन्होंने बाबा से शोहरत मांगी, बाबा ने कहा तू शोहरत ही ले, मेरी गलियां छोड़, है? और जिन्होंने कृपा मांगी वो आज भी बाबा की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। दुनिया में जी वो भी रहे जो बाबा को नहीं जानता, और जी वो भी रहे जो बाबा को जानता है। अंतर पता है क्या है? जब भी समय, समय तो समय है, कभी अच्छा भी होता है कभी बुरा भी होता है, लेकिन जो बाबा की शरण में नहीं है वो जब भी कठिन समय आया, संकट का समय आया, कष्ट के समय आया, वो अकेला रहा, लेकिन जो बाबा का प्रेमी था कभी अकेला नहीं रहा, उसको मालूम बाबा मेरे साथ, उसको मालूम है मेरा समय ऊंचा नीचा हो सकता है लेकिन मेरा बाबा मेरे को नहीं छोड़ सकता है, ये मुझे पूरा यकीन है। लगाओ ताली। विपदा की कठिन घड़ी में भी ना डगमग होने दिया कभी, विपदा की कठिन घड़ी में भी ना डगमग होने दिया कभी, तुम साथ रहे हम झेल गए हंसते हंस
हंसते हंसते दुख दर्द सभी तेरा हम पर है उपकार जितनी जल्दी आदमी का नशा उतार दे उतनी जल्दी चौखट पे नाक भी रगड़वा दे ऐसा ही है मेरा बाबा। आदमी फिर कब कहता है अंकल जी बैठ जाओ बैठो दो मिनट अब तो यही टाइम रह गया अपना भजन कीर्तन कहाँ जा रहे हो फिर ऐसा समय लाके खड़ा करता है ऐसा कि आदमी चारों तरफ घूम के फिर खाटू में ही आके नाक रगड़ता है इसी क्या और फिर कहता है जब जब नसीब रूठा बादल गमों के छाए जब जब नसीब साथी जब एक भी न पाए ऐसे में दुख का साथी जब एक भी न पाए मुझे तुम याद आए मुझे तुम याद आए। सुनो सारे परवरदिगार तू है सारे जहां का मालिक परवरदिगार तू है इस मतलबी जहां में यारों का यार तू है इस मतलबी जहां में यारों जब सुख के यार सारे दुख में हुए पराए मुझे तुम याद आए दुख की नहीं थी चिंता दुख में भी जी रहा था दुख की नहीं थी चिंता दुख में भी जी रहा था आंसू मिले जो मुझको हंस हंस के पी रहा था आंसू की चिंता नहीं हुई मैं दुख में भी कोई परेशान नहीं था मुझे मालूम था तू मेरे साथ मुझे कोई परेशानी नहीं थी आंसुओं से भी कोई तकलीफ नहीं थी लेकिन जानते हो दिल कहाँ टूटा मेरी बेबसी के ऊपर जब लोग मुस्कुराए मुझे तुम याद आए मुझे तुम याद आए बाबा मेरे साथ तेरी रहमतों पे मुझको बड़ा नाज शाम बाबा
रखी लाज श्याम बाबा तूने मुश्किलों में मेरी रखी लाज श्याम बाबा मेरे श्याम गजे सिंह के भजन ये रजनी ने जब सुनाए मुझे तुम्हें याद आए मुझे तुम याद आए मुझे तुम याद आए तुम हमारे